कंसीडर एग्जांपल थ्री, क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग NFA टू DFA एंड ऑल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA. ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये NFA गिवन है, ये NFA है. क्यों NFA है? क्योंकि पहली बात कि हर स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन नहीं है, मतलब फॉर ईच इनपुट अल्फाबेट एट एवरी स्टेट एट ईच स्टेट वो नहीं है एंड देयरफॉर इट इज NFA. वैसे अगर एवरी DFA इज NFA तो वो भी एक मींस हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये NFA है. ओके, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? DFA में. लेकिन अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, कोई ट्रांजिशन डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इनिशियल स्टेट क्या होगी? इनिशियल स्टेट होगी क्या? Q0. जो इनिशियल स्टेट इसकी है, DFA की भी इनिशियल स्टेट वही होगी. ओके, अब हर एक DFA में हर एक स्टेट पर जैसे इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी है, तो हर स्टेट पर एक ए का और एक बी का ट्रांजिशन होगा. ओके, तो ए का ट्रांजिशन पहले देखते हैं. Q0 पर ए का ट्रांजिशन, तो Q0 और Q1. ओके, ये हुआ ए का क्या? Q0 और Q1, ये एक स्टेट बन गई. अच्छा, इसको हमको क्या करना है? सबसेट्स की तरह रखना है. क्यों सबसेट्स की तरह रखना है? क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट हैं एक सेट में. ओके, और दूसरा ये सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड भी है. तो ए पर Q0 पर Q0 का ए पर था और Q1 पे भी था, बी पर Q0 का Q0 ही था. तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी के लिए लूप लगा दें. नाउ कम टू Q0 Q1. यहां पर Q0 Q1 है, तो ए और बी दोनों का ट्रांजिशन देखेंगे. तो पहले ए का ट्रांजिशन देखते हैं. Q0 पर ए का ट्रांजिशन देखा तो क्या रहा है? Q0 Q1. ए का ट्रांजिशन Q0 और Q1, दो स्टेट आ रहे हैं सबसेट की तरह. Q1 पर ए का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, मतलब यूनियन जब करेंगे तो इसका एम्प्टी सेट से यूनियन करना पड़ेगा. तो रिजल्ट में क्या आएगा? Q0 Q1 ही आएगा. ओके, तो ए पर हमने क्या किया, ये लूप लगा दिया. ओके, अब क्या करेंगे, बी पे देखेंगे, बी पे क्या ट्रांजिशन है. तो बी पे ट्रांजिशन देखना है Q0 Q1 का. तो Q0 पर बी का ट्रांजिशन क्या है? सिर्फ Q0 है. ओके, और Q1 पर बी का ट्रांजिशन क्या है? Q2 है. तो यूनियन ये Q2, दोनों को जोड़ेंगे तो Q0 Q2. ओके, Q0 और Q2, और ये क्या आएगा? एक सबसेट की तरह. तो ये हो गया. ओके, अब बात करेंगे इस पे भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए, ए और बी का हो गया. इस पर भी क्या करेंगे, अब ए और बी का ट्रांजिशन देखेंगे. तो Q0 Q2 पर Q0 पर ए का ट्रांजिशन, तो Q0 और Q1, Q0 और Q1. और अगर Q2 पर ए का ट्रांजिशन देखें तो Q2. इसको और इस सेट को यूनियन करेंगे तो Q0 Q1 Q2. ओके, नई स्टेट आ गई Q0 Q1 और Q2. ओके, एक सबसेट की तरह. तो ये एक नई स्टेट बन गई. किस पर बनी है? ये ए पर. अब क्या करेंगे, इस पर Q0 Q2 पे बी का भी ट्रांजिशन देखेंगे. तो Q0 पर बी का ट्रांजिशन Q0 इटसेल्फ, Q2 पर बी का ट्रांजिशन Q2 इटसेल्फ. ओके, तो इसका मतलब बी पे क्या है, ये लूप है Q0 और Q2. ओके, नाउ कम टू इस पे भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन. इस पे आते हैं अब, और इस पे क्या, Q0 Q1 Q2. तो Q0 ए का ट्रांजिशन पहले देखते हैं. Q0 पर ए का ट्रांजिशन क्या है? Q0 Q1. Q1 पर ए का ट्रांजिशन एम्प्टी सेट है, तो यूनियन एम्प्टी सेट. यूनियन Q2 पर ए का ट्रांजिशन Q2. तो इसका मतलब अगर तीनों को यूनियन करेंगे तो Q0 Q1 Q2 आएगा. तो ये हुआ ए पर. अब बी पे देखते हैं. बी पे है, तो बी पे ट्रांजिशन क्या है? Q0 पर बी का ट्रांजिशन सिर्फ Q0, Q1 पर बी का ट्रांजिशन Q2, और Q2 पर बी का ट्रांजिशन Q2. तो अल्टीमेटली Q0 Q2 ही आना है. इसका मतलब ये यहां से ये लूप लगा दे. ओके, सॉरी, लूप बन गया, मतलब ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ये यहां से बी का ट्रांजिशन है. ओके, तो इस पे भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो गए. अब क्या करना है, फाइनल स्टेट बनानी है. तो NFA की फाइनल स्टेट है क्या? Q2. हर एक स्टेट में देखना है जहां जहां Q2 है वो DFA की फाइनल स्टेट हो जाएगी. तो ये है DFA.
Q2 यहाँ है, नहीं है, यहाँ Q2 है, नहीं है, यहाँ Q2 है, यस, तो ये फाइनल स्टेट बन जाएगी, यहाँ Q2 है, यस, तो ये फाइनल स्टेट बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अगर सवाल सिर्फ इतना होता कि कन्वर्ट दिस NFA टू DFA तो ये कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस DFA, तो इसका मतलब ये तो सेपरेट क्वेश्चन है ऑप्टिमाइज करने का। तो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पर जो अनरीचेबल स्टेट है क्या, नहीं है, तो इक्वल स्टेट चेक करेंगे अब। ओके, फ्री फ्रॉम इक्वल स्टेट्स एंड अनरीचेबल स्टेट्स, तो इनका नाम नया दे देते हैं क्योंकि इस तरह के नाम लिखने में बहुत मेहनत पड़ेगी। ए, इसका नाम बी, इस स्टेट का नाम सी, इस स्टेट का नाम डी। ओके, तो यहां से ए बी सी एंड डी। ओके, अब यहां से पाई जीरो लिखेंगे, पाई जीरो इज बेस्ड ऑन फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स, तो ये हो गया ए कॉमा बी, ये हो गया सी कॉमा डी। ओके, अब पाई वन लिखेंगे, पाई वन के लिए क्या है, इस ग्रुप में जो ए और बी है इसमें से कुछ इक्वल तो नहीं है। ओके, ये ए हो गया और ये बी हो गया, चलो चेक करते हैं। इस ग्रुप का नाम जी वन दे देते हैं, इस ग्रुप का नाम जी टू। ए पर ए का ट्रांजिशन बी आ रहा है, बी किस ग्रुप में है, जी वन में है। ए पर बी का ट्रांजिशन ए ही आ रहा है, ये किस ग्रुप में है, जी वन में ही है। ओके, बी पर ए का ट्रांजिशन, बी पर ए का ट्रांजिशन बी ही है, किस ग्रुप में है, जी वन में है। और बी का बी पे ट्रांजिशन क्या है, सी, सी किस ग्रुप में है, जी टू में है। यहां से जी वन जी टू, यहां से जी वन जी वन, दोनों क्या है, नॉट सेम, नॉट इक्वल टू, एंड देयरफॉर ए कांट बी इक्वल टू बी, तो यहां से आप ए और बी को अलग कर देंगे। साथ में क्या चेक करेंगे, सी और डी के लिए भी, तो ये C हुआ, ये D हुआ, ये A और ये B, इसको भी चेक कर लेते हैं। और जीरो इक्वेलेंट स्टेट्स ये हैं ए बी और सी डी, अब पाई वन में अब जा रहे हैं हम, तो सी डी को भी चेक करेंगे। C पर A का ट्रांजिशन, C कौन सी स्टेट है, ये A का ट्रांजिशन D में जा रहा है, D किस ग्रुप में है, G2 में। ओके, G2। C पर B का ट्रांजिशन क्या है, C, तो C किस में है, G2 में। D का A पर ट्रांजिशन, डी का ए पे ट्रांजिशन डी, डी किस ग्रुप में है, जी टू में, तो ये क्या हो गया, जी टू। डी का बी में ट्रांजिशन क्या है, सी, सी किस ग्रुप में है, जी टू में, तो ये क्या हो गया, जी टू, जी टू, जी टू, जी टू, जी टू। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब सी और डी एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। तो यहां से हो गया ए, ये बी, और इसके बाद क्या, ये सी कॉमा डी एक ही ग्रुप में रहेंगे। इसके बाद आप पाई टू निकालोगे, पाई टू भी क्या होगा, आप चेक करके देख लो, ये दोनों सेम आएंगे। ओके, डिक्टो सेम आएंगे, चूंकि पाई वन इक्वल टू पाई टू है, दैट मींस सी इक्वल टू डी। ओके, सी इक्वल टू डी, इसका मतलब है सी इक्वल टू डी है, इसका मतलब मैं डी स्टेट को डिलीट करूंगा अब। तो अगर डी को डिलीट करूंगा तो डी के सारे ट्रांजिशन किस पे पहुंच जाने चाहिए, सी पे। तो अब देख लेते हैं, जैसे सपोज करो ये कह रहा है कि डी में ए के ट्रांजिशन पर ए में ही है, अब इस डी का नाम डी भी है और सी भी है, तो इसका मतलब सी पर ए का ट्रांजिशन सी पे भी है, तो इसका मतलब ये कर दूंगा इसको मैं। ओके, और बी के ट्रांजिशन पर, डी से बी के ट्रांजिशन पर सी पे जा रहा है, लेकिन चाहे इनको सी सी बोल लो चाहे डी डी बोल लो, तो बी पे भी लूप है, तो वो लूप ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं ये स्टेट डिलीट कर सकता हूं इस तरीके से। तो ये जो हमको अब मिल चुका है, ये क्या है, ये MDFA है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, दैट इज 3। ओके, तो ये इसका आंसर है, एंड दैट्स डन।